फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल लवर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटी सीक्रेट जो मैंने हमेशा से यूज़ किया है विंटर में। तो अगर आप न्यूली मैरिड हैं एंड ब्राइड होने वाले हैं तो आप डेफिनेटली इस सीक्रेट को ट्राई कर सकते हैं। 7 डे ब्यूटी सीक्रेट है। अगर आप इसे 7 डे यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी, नरिश्ड हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मिलेंगे वो सारे आपके किचन में आसानी से अवेलेबल होंगे। जो खाना बनाना नहीं जानता उनके भी किचन में आसानी से अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है और मैं इसे हमेशा हर विंटर में यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी आप सभी को बता दूँ कि मैं 7 दिनों से ना कोई फेस वॉश यूज़ की हूँ ना कोई मॉइस्चराइजर क्योंकि यूज़ की हूँ, क्योंकि मैं आप सभी के साथ अपना ऑनेस्ट ब्यूटी टिप्स देना चाह रही थी। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं मेरा स्किन कितना ड्राई हो चुका है, कितने ड्राई पैचेस पड़ चुके हैं, क्योंकि मैंने रेगुलर 7 डे से कोई फेस वॉश नहीं लगाया, कुछ मॉइस्चराइजर नहीं लगाया। एंड नोज़ के राउंड भी आप देख सकते हैं कितने ड्राई पैचेस हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो गए हैं, क्योंकि आप लगातार कोई फेस वॉश ना यूज़ करो, कोई क्रीम ना यूज़ करो तो ऐसा ही आपका स्किन डल हो जाता है, बहुत डल एंड डैमेज हो गए हैं। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को कर दे लाइक, क्योंकि मेरे वीडियो पर आने वाला है आप सभी के लिए वेडिंग सीरीज जो न्यूली मैरिड है एंड जो टू बी ब्राइड है उन सभी के लिए, जिसमें होगा मेकअप लुक, हल्दी लुक, वेडिंग डे मेकअप लुक एंड रिसेप्शन मेकअप लुक। जिन्हें मेकअप करना नहीं आता वो भी मेरे वीडियो देखकर आसानी से अपना मेकअप कर सकती हैं। मेकअप के लिए कोई खर्च की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं जो आप सभी को किट बताऊंगी उसे आप परचेज कर लें, जो आपको आपके सन टैनिंग रिमूव करने की, हैंड वाइटनिंग की, लेग वाइटनिंग की, फेस वाइटनिंग की, कौन सा क्रीम यूज़ करें, कौन सा बॉडी लोशन यूज़ करें, ये सारा इस सीरीज में ऐड होने वाला है। तो ये है मेरे चैनल का हैशटैग लाइफस्टाइल लवर वेडिंग सीरीज। तो फटाफट से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और इसके लिए मैं अब फटाफट से आपको जो ब्यूटी सीक्रेट है वो आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ मैं 3 इंग्रेडिएंट लूँगी। तो करना क्या है कि एक आपको ऐसे कटोरी ले लेना है प्लेन, एंड इसमें 2 स्पून ग्राम फ्लोर लेना है बेसन, 2 स्पून लेना है आप सभी को बेसन, ऐसे भर भर के 2 स्पून मैं यहाँ बेसन ले रही हूँ। अब मैं इसमें मलाई वाला दूध ले रही हूँ जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। बॉयल कर लें एंड उसके ऊपर जो छाली पड़ता है, जो मलाई पड़ जाता है, वो वाला दूध ले लें जो स्किन को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। एंड बेसन स्किन का इवन टोन करता है। तो एंड मैं यहाँ इसमें दूध को मिक्स करूँगी, ऐसे मिलाऊंगी, कम कम अमाउंट में मिलाऊंगी, ज़्यादा डायरेक्ट नहीं डालूंगी ताकि इसमें लम्ब्स नहीं पड़े और अच्छे से ये एक टेक्सचर में आ जाए। एंड मैं 1 पिंच के लगभग मैं इसमें टर्मरिक मिला लूंगी और इसे कुछ इस तरीके से मिलाते जाना है, आप देख सकते हैं। इसमें लम्स ना पड़े, कुछ इस तरीके का ये टेक्सचर हो जाएगा और मुझे इसी टाइप का टेक्सचर चाहिए। सो, क्योंकि ये एज ए फेस वॉश वर्क करेगा आपके फेस पे, एंड इस तरीके से आपको फेस पे पूरे लगाना है। आप नहाने के पहले इसे लगाएंगे हर दिन, दिन में एक ही बार लगाना है नहाने के पहले। इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दे, ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के पास जैसे न्यूली मैरिड उनके पास टाइम नहीं होता है, ज़्यादा देर वो नहाने में नहीं लगा सकती हैं। सो एंड इसे आप नेक पे भी लगा सकते हैं।
इसे आप हैंड पे भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 मिनट के लिए अपने फेस पे इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद इसे रब करके धो लूंगी। तो मैं 2 मिनट सुखाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैं इसे 2 मिनट तक अच्छी तरीके से सुखा लूँ। आप मेरे माउथ के राउंड देख सकते हैं, ये सूख चुका है। और मैं अब इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अपवार्ड की तरफ करके रब करूँगी। जिससे मेरे जो चेहरे पे जो एक्स्ट्रा हेयर है वो भी रिमूव हो जाएंगे, डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाएंगे। एंड दूध मेरे स्किन को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। इसे अप्लाई करने के बाद मेरा स्किन ड्राई नहीं होगा। एंड इसे 2 मिनट तक ऐसे रब करके और हल्के गुनगुने पानी से धो लेना है। तो मैं इसे रब करके और धो के आप सभी के साथ मिलते हैं। और इससे आप अपने आईज के अराउंड भी रब करना। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना क्लीन हो चुका है। मेरे स्किन के जो भी इम्प्योरिटी थे वो निकल चुके हैं। एंड मैं इसे हैंड पे भी अप्लाई की हूँ, तो आप मेरे हैंड को भी देख सकते हैं। अब मैं इसमें वैसे मॉइस्चराइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ लगाऊंगी। तो यहाँ मैं गुड वाइब का बॉडी लोशन लगा रही हूँ अपने हैंड्स में। वाव, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा। तो यहाँ मैं अपने हैंड पे बॉडी लोशन लगा ली हूँ। अब मैं फेस पे भी मॉइस्चराइजर लगा लूँगी, जो उस दिन मैंने नाइट केयर में बताया है। मेरे आई बॉटम पे उस वीडियो आ रहा होगा, तो फटाफट से उस वीडियो को क्लिक करके आप देख लें और मेरे वीडियो को कर दे लाइक अगर आपके लिए ये यूज़फुल रहा है तो। एंड मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आने वाला है वेडिंग सीरीज़ हैशटैग लाइफस्टाइल लवर वेडिंग सीरीज। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, वहाँ मैं स्टोरी में हमेशा कुछ ना कुछ नया लगाते रहती हूँ आप सभी के लिए हेल्पफुल। तो बाय बाय।